सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा इस शुक्रवार यानी 17 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का बजट 178 या 80 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कुल बजट जो है इस फिल्म का, मगर इस फिल्म ने अब रिलीज से पहले ही 65 करोड़ रुपए की मोटी कमाई कर ली है। दोस्तों, ये कमाई इस फिल्म ने अपने सेटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट वगैरह बेचकर कमा ली है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी अब चालू हो चुकी है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। इस फिल्म ने अब तक 7200 से 7300 के करीब अपने टिकट जो है कि बेच दिए हैं। इस हिसाब से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और जो इसकी लास्ट रिलीज भूल भुलैया थी उसके रिकॉर्ड को शायद बीट कर सकती है। तो दोस्तों, देखते हैं अब ये फिल्म भूल भुलैया के रिकॉर्ड को बीट कर पाती है या नहीं और क्या ये एक अच्छी ओपनर साबित होगी कार्तिक आर्यन के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक आर्यन की फिल्म जो कि आला वैकुंठ पुरा यानी अल्लू अर्जुन की फिल्म की रीमेक है, ये फिल्म वैसा कमाल दिखा पाएगी या फिर ये भी पिछले साल आई कई सारी फिल्मों की तरह फ्लॉप की कैटेगरी में चली जाएगी। हालांकि इस समय कार्तिक आर्यन का करियर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चल रहा है और चारों तरफ वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, तो इस वजह से उनकी फिल्म चलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो दोस्तों, आप अपनी राय क्या है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।